नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे सभी प्यारे दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल हरीश यादव पे। मैं हूं सीकर में और कुछ सिरोही ब्लड लाइन की जो प्योर बकरियां होती हैं उनके बारे में जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है वो शूट कर रहा हूं। और अभी मैं हूं सुभाष जी के फार्म पर और ये जो आपको बकरी देखने मिल रही है ये प्योर सिरोही की बकरी है। इसका आप कलर देख सकते हैं और इसका पैटर्न देख सकते हैं। ये अभी 5 महीने की बच्ची है, सर ने हमें जैसे बताया था। और आज हम इन्हीं की कमाई के बारे में देखने वाले हैं कि अगर आप ब्लड लाइन के ऊपर काम करते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं। जैसे सुभाष जी केवल मात्र 10 बकरियों से सालाना 4 से 5 लाख रुपए की कमाई करते हैं। उन्हीं 10 बकरियों से वो अपना पूरे फार्म का खर्चा चला रहे हैं। और ब्लड लाइन पर काम करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस वीडियो में आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं सुभाष जी से और इस राज को जानते हैं कि केवल 10 बकरियों का पालन करके वो कैसे 4 से 5 लाख सालाना कमा रहे हैं। अपन खर्चे के बारे में भी बात करेंगे, परेशानियों के बारे में बात करेंगे, फिर अपन इनके मुनाफे के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं एक छोटा सा परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं और कितने सालों से बकरी पालन कर रहे हैं। मैं सुभाष चौधरी, सीकर सेवतबड़ी के पास एक छोटा सा गांव है बाखरों की रानी से। जी जी जी। और मैं पिछले 5 साल से इस प्रोफेशन में जुड़ा हुआ हूँ। तो सर मैं जैसे अपने दर्शकों को बता रहा था कि ब्लड लाइन पालने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को आप बताइए ताकि जो भी बकरी पालन करना चाहता है तो उनको रुझान बढ़े या उन वो भी ब्लड लाइन की तरफ जाएं, अच्छी बकरियों की तलाश में रहें जिससे वो भी आपकी तरह मुनाफा कमा सकते हैं। जी जी सर, पहली बात तो ये है कि सिरोही ब्रीड है, अब वो नाम मात्र की बची हुई है। जी, लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए उसको क्रॉस ब्रीड करवा करवा के इस ब्रीड को विलुप्त सा कर दिया है। जी जी। अब आप देखिए ये ओरिजिनल सिरोही जो बकरी है ये है। जी जी। अब इसको सहेजना, संभालना, अब इनको ब्लड लाइन पे काम करना वो ट्रेडर्स वाला वो सिस्टम नहीं है। हम सिर्फ ब्लड लाइन पे और ब्रीडिंग पे ही काम कर रहे हैं। जी। तो सर मुझे जैसे ये बताइए कि ये जो बकरी आप दिखा रहे हैं जी, ये कितने महीने की बकरी सर, है? ये अभी 6 मंथ की बकरी है। अच्छा, 6 महीने की बकरी है। जी सर। और जैसे हम अगर प्राइस की बात करते हैं, कीमत की बात करते हैं, तो एक 6 मंथ की बकरी है जो अच्छे ब्लड लाइन की बकरी है, उसकी क्या कीमत मिल जाती सर, है? सर तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार रुपये मिल जाती जी है। जी सर। तो यहाँ से यहाँ पर आप किस तरीके से बकरियों का पालन कर रहे हैं और अमूमन लगने वाला खर्च क्या क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी सर, मैं छोटी फीमेल तो मैं सेल ही नहीं करता। जी। मैं खुद उनकी वो मैं ब्रीडिंग सेटअप चला रहा हूँ तो मैं उनकी ब्रीडिंग पे काम करता हूँ। जी जी। तो अगर मैं छोटी बकरी सेल कर दूंगा तो फिर वो आगे प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? और मैं सिर्फ ब्रीडर सेल करता हूँ, छोटे बच्चे हैं वो सेल करता हूँ। और जैसे मेरे पास अगर एक फीमेल की 3-4 बच्चियाँ आ गई, उसके बाद भी उसके बाद मैं जो बड़ी फीमेल हैं उनको सेल करता हूँ। अच्छा। और मेरे तो रेगुलर कस्टमर हैं, मेरे नॉन लोग ही ले जाते हैं। अच्छा। छोड़ते नहीं हैं। तो किस उम्र में आप बकरियां सेल करते हैं जनरली, अगर आपको मौका मिलता है? सेकंड और थर्ड ब्याद की बकरियां। सेकंड और थर्ड ब्याद की बकरियां। जी, फर्स्ट लैक्शन की लैक्टेशन की बकरी में सेल नहीं करता। नहीं करते हैं। मैं पहले उसका ब्याद देखता हूँ कि भाई वो कैसे बच्चे ला रही है, कैसा उसका मतलब प्रोडक्शन है, बच्चा कैसा पालती है, मिल्क कैपेसिटी उसकी कैसी है। तो सर सवाल ये आता है कि अभी जो आप पालन कर रहे हैं तो लगभग एक बकरी का साल भर में लमसम खर्च कितना हो जाता है? जब हम मुनाफे की बात करते हैं तो खर्च भी कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता बिल्कुल, है बिल्कुल, तब हम मुनाफा उसमें जोड़ सकते हैं या मुनाफा हम उसे कह सकते हैं। तो लगभग एक बकरी का पालन करने में कितना खर्चा होता है और अभी आपके पास कितनी बकरियाँ हैं? सालाना एक बकरी का खर्च करने में हमें बड़ी बकरियों का 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं बड़ी बकरी में। जी सर। उसका फीड वगैरह है, सप्लीमेंट वगैरह उसको देने हैं, मेडिसिन वगैरह हैं, सारा टोटल खर्चा एक बड़ी बकरी में 8-10 हज़ार रुपये तक आता है। 8-10 हज़ार रुपये। जी सर। और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं? सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। उसका वैक्सीनेशन, इसका वैक्सीनेशन है, सूखा चारा है, उसका दाना वगैरह है, वो सारा इसमें इंक्लूड है।
सर, मैं जैसे ये बकरी आपकी दिख रही है मुझे, ये बड़ी बकरी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये कितने मंथ की हो गई होगी, और आपके जो बाड़े की सबसे बड़ी बकरी हम वो भी देखेंगे, हैवी बकरी। सर, ये तो अभी 6th month की बच्ची है। ये 6th month की बच्ची? जी सर, अभी इसने क्या दूध उतार दिया था, 4 month की थी तो इसने दूध देना शुरू कर दिया। अच्छा, तो फिर मैंने इसको क्रॉस करा दिया, ये अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, और ये देखिए बिल्कुल अदंत है, आप देख सकते हैं। तो जैसे हम आपकी बाड़े की जो सबसे बेहतरीन बकरी हैं उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं। जैसे मुझे इस बकरी के बारे में बताइए, जनरली ऐसी हैवी बकरियां तो हमको देखने नहीं मिलती हैं। ये जो बकरी है जो प्यार से बैठी हुई है, शायद बच्चा देने वाली है, प्रेग्नेंट बकरी है। हम इसकी इसके खर्च और इसके फिर कीमत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमारे दर्शकों को हमने बताया कि 10 बकरियों से ही आप 4 से 5 लाख रुपए कमा लेते हैं, तो एक बकरी की खर्च बताइए, फिर उससे मिलने वाले मुनाफे को थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सर, ये सर अभी 3rd lactation की बकरी है, ये 2 बार बच्चे दे चुकी है। इसके 1st lactation की बकरी जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ वो है, और इसने 3 बकरे दिए थे जी। और मिल्क कैपेसिटी इसकी 5 लीटर है दोनों टाइम की, 2.5 लीटर इसका मिल्क कैपेसिटी है पर टाइम। जी जी, अभी ये बच्चा देने वाली जी है सर। आप अडर साइज देख सकते हैं, अडर आप इनका देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखिए अडर इनका आप देख सकते हैं। तो सर, जैसे इतनी बड़ी बकरी है तो इसका पालन करने में आप कितना खर्च करते होंगे? सर, ये तकरीबन इसमें 18 से 20 या 20 से 25 रुपए खर्च आता है बस। जी, बड़ी छोटी बकरियों में 18 से 20 रुपए और बड़ी बकरियों में 20 से 25 रुपए खर्च। एवरेज खर्च आप अगर माने तो 20-22 रुपए तकरीबन सभी में आ जाता है। जैसे 3 या 4 मंथ के बच्चे हैं उनमें तो कोई खर्च नहीं आता, वो तो अपने माँ के दूध पे पलते हैं। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा फिर आप इनसे किस तरीके से मुनाफा कमाते हैं, किस में कितने महीने तक रखते हैं, और फिर लमसम बेचने पर क्या प्राइस मिल जाती है? जी सर, मैं 4 या 5 महीने के बकरे सेल कर देता हूँ जिनकी कीमत तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये रहती है। और अगर कोई रेयर ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन हो, अच्छी क्वालिटी का बकरा हो तो वो 50 हज़ार रुपये तक भी बिकता है। 4 से 5 महीने के? जी बिल्कुल सर, बिकता है। तो दर्शकों आप इस तरीके से देख सकते हैं। और साल भर में आप कितने ऐसे सर जो ब्लड लाइन पे काम करते हैं, जिन्हें इस ब्रीड का नॉलेज है जी जी, वो लोग इस चीज़ को छोड़ते भी नहीं। तो सर, जनरली हम अगर बात करते हैं, आजकल सिरोही का जो मार्केट वैल्यू है वो 350 रुपए किलो के हिसाब से आप मैक्सिमम अच्छी से अच्छी बकरियां आप ले सकते हैं। सर, केजी वाला अलग सिस्टम है सर, केजी में इस टाइप की बकरियां आपको नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी जी। और फिर आपने इस तरीके से कहां से खोजी ऐसी बकरियां जो आपको इतना मुनाफा दे रही हैं, हमारे दर्शकों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर, हम तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं जी, इतना वो हाईलाइट वो सिस्टम है नहीं। हाँ, क्योंकि ट्रेडर्स लोग हम फार्मर्स तक डायरेक्ट किसी को पहुंचने भी नहीं देते जी जी। तो मेरा तो अभी सर आप मेरा यकीन नहीं मानेंगे कि कई ट्रेडर्स वगैरह हैं या कई लोग जुड़े हुए हैं, पिछले दिनों मैंने काफ़ी परेशानियों का सामना किया है। अब मेरी बकरियों के फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बना लेते हैं या मंगवा लेते हैं कि भाई मुझे बकरियाँ ख़रीदनी है या मैं देखना चाहता हूँ, तो सर आप उनका वीडियो वगैरह मुझे भेजिए। और सर फिर वही बकरियों का वो वीडियो है वो अपने चैनल या अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सेंड कर देते हैं, फोटोज़ वगैरह हैं वो बाहर के व्यापारियों को दिखा देते हैं और बोलते हैं कि ये आपको 300 रुपये केजी में, 220 रुपये केजी में, 230 रुपये केजी में मिलेगा। ऐसा करके वो कस्टमर्स को फंसा लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस बकरी को देखेंगे और बोलेंगे कि भाई ये बकरी आपको 300 रुपये केजी में मिल जाएगी, तो कोई भी आदमी है वो इसको ख़रीदना चाहेगा। बिल्कुल, 300 रुपये केजी में हर बंदा इसको ख़रीदना चाहेगा। अब जब वो आप वहाँ का कस्टमर उस के पास पहुँचता है ट्रेडर के पास, तो ट्रेडर बोलता है कि वो बकरी तो कल ही सेल हो चुकी है, और वो लोग बता देंगे कि वो सीकर में सेल हो गई, क्योंकि उनको पता है कि ये बकरी कहाँ पे, मैंने उनको सेल कर दी।
जबकि ये बकरी तो ऑलरेडी मेरे पास है। ऐसा तकरीबन कई लोग करते हैं सर, मतलब ट्रेडर्स तो 50% करते हैं, दूसरे की बकरियां दिखाते हैं, दूसरे के वीडियोस दिखाते हैं लोगों को, फिर वहां से बोलते हैं कि भाई आप हमें टोकन मनी के नाम से पैसे हमारे अकाउंट में जमा करवाएं। अब बेचारा जिसने 50 लाख रुपए जमा करवा दिए वो तो फंस गया ना, और वो तो उसी हिसाब से उसको देना पड़ेगा, जैसा माल ट्रेडर उसको देगा वैसा उसको खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, बाहर का आदमी है वो यहाँ पे किसको जानता है। नहीं, सही बात। और हमारे यहाँ पे अगर पहुँचेगा तो पहले तो वो बकरी सेलेक्ट करेगा कि भाई मेरे को ये बकरी चाहिए, अब मैं उसकी क्या रेट बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ वो मेरे पे डिपेंड करता है, और अगली पार्टी पे डिपेंड करता है कि भाई वो उसकी क्या कीमत लगाती है। अगले को सेट होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो सर, हम जनरली ये जानना चाहेंगे कि आप इन 20 बकरियों से 22 बकरियों से साल में कितने बच्चे जो हैं वो तैयार कर लेते हैं, इसके बारे में बताइए। ये 4th time की बकरी है, अभी इसने 2 बकरे दिए हैं, अभी इसकी एक भी बकरी मेरे पास नहीं आई है। इसके साथ की एक बकरी थी इसकी सिस्टर, वो सर पिछले महीने ख़त्म हो गई। अच्छा, तो वही है सर कि मुझे ये बताइए कि कितने बच्चे आपको बेचने मिल जाते हैं ऐसी बकरियों के? ऐसी बकरियों के मोस्टली मैं साल के 12-13 बकरे मोस्टली बेच देता हूँ। 12-13 बच्चे आपको बेचने मिल जाते हैं? हाँ। और बकरियाँ? बकरियाँ मैं सेल नहीं करता। बकरियाँ सेल नहीं करते? जी सर। और उन बच्चों की क्या कीमत होती होगी जो आप बेचते हैं? जी सर, एवरेज आप मान लीजिए कोई 30 में गया और कोई 40 में गया या कोई 45 में गया, तो मोस्टली एवरेज रेट उनकी 35,000 रुपये एवरेज रेट आ जाती है। 35,000? जी सर। और 10 बेचे तो 3.5 लाख और 4 लाख रुपए आराम जी से सर बन जाते हैं। तो ब्रीड का पालन करने पे ये फ़ायदा है? जी सर। तो सर, मैं जनरली ये जानना चाहूँगा कि यार इतनी महंगी बकरियाँ, लोग तो बात करते हैं कि यार इतनी महंगी बकरियाँ खरीदने से अच्छा है कि यार भैंस पाल लेना। जी सर। तो लोग फिर इतनी महंगी बकरियां क्यों खरीदते हैं, इसके बारे में थोड़ा समय दे सर। अब भैंस पालेंगे तो भैंस से है वो अपना खर्चा पूरा कर लेती है। जी जी। अगर वो 5 लीटर दूध देती है तो सर उसको 5 लीटर दूध देने के लिए उसको 5 kg का बांट भी देना जरूरी है, और 5 kg बांट में 10 बकरियां हम आराम से पाल सकते हैं। जी। बकरियों का इतना वो खर्चा भी नहीं है। नहीं। और एक भैंस ने एक बच्चा दिया तो वो 4 साल में वो दोबारा मतलब प्रोडक्शन देने के लिए रेडी होगा, 4 साल बाद में वो बच्चा देगा, तब तक तो वो खाली खाएगा ही खाएगा। जी। अगर आप उसका मिनिमम चार्ज भी अगर आप जोड़ते हो तो वो 10-12 हज़ार रुपये महीने का एक बड़ी व्यस्क भैंस है वो खा जाती है। तो अब 10-12 हज़ार रुपये अब देख लो आप कितना उस पर पड़ गया, वो तो महंगी ही पड़ेगी ना। और बकरी है वो, अब आप 2 बकरियां लेके आए और जब वो तक वो 4 साल आएगी तो दो बकरियों की आपके पास 20 बकरियां मिलेंगी 4 साल बाद में। तो इस तरीके से कोई भी अगर अपने यहाँ पर नस्ल का पालन करता है तो बेहतर लाभ ले सकता है, वो भी अपने यहाँ पर इतना मुनाफा कमा सकता है। जी सर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो की बकरियाँ और सर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में ज़रूर आया होगा। बहुत प्यारी बकरियाँ हैं सर की और सारा का सारा ब्रिड लाइन पे काम कर रहे हैं सर, क्वालिटी वाला काम कर रहे हैं, क्वांटिटी नहीं है सर के पास, वो बेहतर से बेहतर बकरियों का चयन करते हैं। इनके पास जितनी भी बकरियां हैं सारी की सारी बेहतर बकरियां हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।